हाँ ये सीधा तो बुलाया आपने। जी बैठिए। आपके पप्पो को बैंक जाना था, हमें अच्छा नहीं लगा कि घर वाले मौजूद हैं तो वो ड्राइवर के साथ जाए, तो हमने उनसे कह दिया है कि हन्नान ले जाएगा आपको। जी जी मैं ले जाता हूँ। आपकी पप्पो आपको बहुत मानती है, आपको याद है बचपन में कितने शरीर होते थे आप, जब आपकी अम्मी आपको डांटती थी ना तो झट से पप्पो बीच में आ जाती थी कि भैया हमारा बेटा ऐसे कुछ मत कहिए। जी बहुत अच्छी हैं पप्पो। और अबीर कैसी लगी आपको? कैसी लगी मतलब? वो भी अच्छी हैं। आपकी पप्पो बहुत परेशान है पप्पा की तरफ से, आप तो जानते ही हैं कोई बात ढकी छुपी नहीं है, तो वो अबीर के रिश्ते के लिए, बल्कि हमने ही उनसे कहा कि यहाँ आ जाए, यहाँ कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम शादी कर देंगे, लेकिन अब इतनी जल्दी में इतना मुनासिब रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है। आप मिजाज और अतवार के हिसाब से हमें अबीर के लिए बहुत मुनासिब लगे, अगर आप कहें तो अमीना और एजाज से बात करें हम। तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। कोई और लड़की पसंद है आपको? चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पसंद की है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी। तो आप इनसे मिलेंगे, आपको ही बहुत अच्छी लगेगी। कब मिलवा रहे हैं फिर? तो अभी तो मैंने खुद नहीं बताया। अभी तक बताया नहीं आपने? क्यों भाई क्यों नहीं बताया आपने? तो पता है मुझे सब बातें अच्छी नहीं लगती। अभी हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर आपने उनकी तरफ मेरा रिश्ता लेकर जाना है। किस जमाने की रूह मौजूद है आपके अंदर? आपके जमाने शरीफ।